ओके गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले हैप्पी बर्थडे साहिल, क्योंकि आज साहिल का बर्थडे और साहिल बहुत 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 ज़्यादा खुश हुए वो ब्लॉग में ये सुनकर कि मैं 365 डेज 365 व्लॉग्स करने वाली हूँ उनके बर्थडे वाले डे से। तो आज है मेरा व्लॉग नंबर 2 और आज जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से समझ आ ही गया है, मुझे साहिल के लिए बनाना है केक। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत सामान ले आई थी, थोड़ा बहुत और लेकर आना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने और काजल ने रूम की क्या हालत कर दी है। तो हम दोनों ने अपने कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हैं और वो कुछ कपड़े वो वाले हैं जो मुझे प्रमोशन करनी थी, ये मैंने निपटा दी है। अभी वो मेरे 2 नए सूट आए हैं जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और ये कुछ बेड की हालत है जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे साहिल के लिए हमने कुछ गिफ्ट मंगाए हैं जो उनको चाहिए था। तो जैसे कि आपको पता है कि वो लॉ कर रहे हैं तो हमने उनके लिए बहुत अमेजिंग सी चीज़ मंगाई है, ये भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। और मैं ना जैसे पहले मैं सैड हो गई थी कि ऐसे बर्थडे साहिल के बिना कैसे सेलिब्रेट होगा, लेकिन ऐसे भी पहली बार होगा कि हम वीडियो कॉल पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और साहिल ने कहा है कि खुश रहना है, हर दिन बर्थडे होता है तो बिल्कुल दुखी नहीं होना है। मैंने बहुत सारी ऑयलिंग कर ली है बालों में, क्योंकि यहाँ पे बाल बहुत ड्राई हो गए थे। वो परमानेंट सैलून हो सकता है जहाँ मैं हर 15 डेज में जा सकूँ अपने हेयर केयर के लिए, तो अभी तक मुझे ऐसा समझ आया नहीं है। कर रही हूँ तो बड़े टाइट मैंने बाल बांधे हुए हैं, क्योंकि आज पूरे दिन रखने वाली हूँ मैं अपने सर में इस ऑयल को, और फिर कल वॉश करूँगी अच्छे से। ये भी आप हालत देख सकते हो, क्योंकि हमने वॉशिंग के लिए कपड़े निकाले थे और कुछ नाइट सूट उधर हैं, कुछ कपड़े इधर हैं और बाकी मैं इधर हूँ। सोचा जब से 365 डेज 365 व्लॉग्स मैंने करना है तो मुझे अपना रूटीन सबसे पहले सेट करना है। तो हमने डिसाइड किया, मैंने और काजल ने, जल्दी सोना जल्दी उठना सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है। और थोड़ी सी अभी बहुत बीच में ब्रेक आ गया था ना, एक्सरसाइज ना योगा ना कुछ हो रहा था, तो अभी हम ये चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की वजह से कम से कम हमारा रूटीन तो अच्छा हो जाएगा ना, तो ये सोच के मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मैं काजल का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आएगी तो हम किचन में जाएंगे और फिर शुरू करेंगे अपना केक बनाना। और ना चाहते हुए भी ये रिंग लाइट लेनी पड़ी, क्योंकि प्रमोशन वर्क आ गया था जिसको करना बहुत ज़रूरी था, और बैकग्राउंड मेरा ये ब्राउन वाला सेलेक्ट हुआ था, तो फिर ये रिंग लाइट मुझे लेनी पड़ी। पर धीरे धीरे चीज़ें यहीं पे इकट्ठी करनी पड़ेगी हमें, अभी तो देखो इसी से ही काम चला रही हूँ। फ्रूट्स की हालत देखो, सबसे पहले मैं ये कट करने वाली हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी गाइस, थोड़ी एनर्जी ले लूँ। हबू ऑफ Guys, it's Egyptian coffee. Whoa, Kajal Rani. It smells so good. Yeah. You can also speak in my vlog if you want. Turkish coffee without milk. Yeah. You want milk? Really? Guys, ये Turkish coffee है और इस पे लिखा हुआ है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको पानी के साथ ही पीते हैं। इन्होंने जैसे बनाई है इसको ऐसे ही बनाते हैं, तो मैंने बोल दिया मुझे मिल्क के साथ चाहिए। ये बॉर्नविटा भी है कि हम तो वैसे ही पीते हैं ना? तो मैं ऐसे भी टेस्ट करूंगी, बताऊंगी कि कैसी है। try Shilpa. It's hot. Yummy. Taste करके देख, बहुत अच्छी है। तो तुम चल। Very nice guys. It's with milk guys. For Shilpa. अब मेरे लिए मिल्क वाली टर्किश कॉफ़ी बनेगी, और ये थी विदाउट मिल्क पर बहुत टेस्टी थी। ठीक है।
Egyptian Turkish coffee. Egyptian Turkish coffee in Dubai. In Dubai. From Abu Dhabi. From Abu Dhabi. So take care. The audience will do one. Yes. French coffee. Okay. French coffee. The coffee actually is Turkish coffee. Mm-hmm. And the milk is Marae. Okay. Like this is Marae milk. And what about this with the coffee? This is, yeah, we will make it for another coffee. Okay. With orange. Okay. Okay. So it's a French coffee, mm-hmm. and the coffee is Turkish. And the guy who make it is Egyptian. Okay. And its name is French coffee in Dubai. And who is drink? She is an Indian. And the one who is drink is Indian. अरे ये मैडम तू जा मुझे इसको मुझे इसे ऑन करना है हंसेगी नहीं सो गाइज क्लीनिंग भी डन हो गई है एक प्रमोशन वीडियो शूट करनी है बाकी ये भी मैंने सब सेट कर दिया है और क्या बताने वाली थी मैं आपको चलो याद आता है तो बताती हूँ पहले काजल की वीडियो जो है शूट कर दूँ और गाइज वो हमारे नेबर्स थे जो हमारे को जिन्होंने इजिप्शियन कॉफ़ी बना के दी थी क्योंकि उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी साहिल के सामने लेकिन साहिल उससे पहले ही चले गए तो मैंने पी कर देखी बहुत डिफरेंट टेस्ट था बहुत टेस्टी थी बाकी पानी वाली भी बनाते हैं वो मिल्क वाली भी बनाते हैं तो मुझे दोनों सेम लगी पर बहुत 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 रिच टेस्ट था मतलब नाइस वन साहिल को पसंद आएगी ये वो ढूंढ के लाई है काजल कुछ चीज मैं इसके पास से छुपा नहीं सकती हूँ ये बहुत सारे थे काजल कहाँ गए कम से कम 6 थे गाइज अभी इसने ना मुझसे कम से कम 1 घंटे की वीडियोग्राफी कराई है अपने और अभी भी रह गई है वीडियोस मतलब इसकी आज ये तीनों लाइट सही करानी पड़ी है क्योंकि पता नहीं एक एक करके बंद हो गई थी सो गाइस यहाँ पे सारा केक बनाने का सामान है ये वो पाउडर है आप किससे पूछ के मेरे मार्शमेलो और न्यूटेला लाया सब ले आई मैं ये वाले बिस्किट भी ले न्यूटेला भी ले मार्शमेलो भी ले वो पाउडर भी ले आई तो केक बहुत ईजी है कुछ करना नहीं है सबसे पहले मुझे बैटर बनाना है उसके लिए मुझे वो पाउडर में 2 eggs और वो डालना है बटर तो हम eggs नहीं डालेंगे हम उसमें बिस्किट डालेंगे एग्स और बिस्किट का क्या रिप्लेसमेंट या मिल्क वो पाउडर में पता क्या डालना है पाउडर मिल्क और वेजिटेबल ऑयल हाँ तो उन तीनों को मिला के और फिर रखना है ओवन में बस वहाँ डर लग रहा है वो है ओवन नीचे ये है माइक्रोवेव हाँ, चलाया नहीं ना आज चलाएंगे नहीं माइक्रोवेव करते हैं फालतू में रेस्क्यू लेना है ना सामान खराब हो जाएगा तो गाइस लेट्स सी बेस बनाने के लिए मैंने सोचा ये वाला पैन यूज करूंगी क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट है देखो है ना ये या फिर इससे बड़े वाला क्या हुआ गाइस इसने नहीं बनाया अरे वो गलती से नहीं बना तेरे फोन में दिक्कत आई है मिलाना नहीं था तूने इतना ज्यादा किया भी नहीं था कुछ दिखाने लायक बस डायरेक्ट बैटर तूने अंदर डालते हुए दिखाया था उसमें इसमें डाला था दूसरे पैन में डाला था हाँ वही सारा स्ट्रगल ही तो एक क्लिप में था ना वो सारा नहीं बन सारा स्ट्रगल ही तूने खराब कर दिया है मुझे मजा नहीं आ रहा और ये टूट गया सही करो फिर दिखाती हूँ इसकी हालत ऐसे अच्छा ही लग रहा हाँ तो अभी मत छेड़ो इसे चिपका दूँ चॉकलेट से हाँ कुछ कर ना डेकोरेट पागल लड़की टूटा फूटा केक तो बना फटाफट शिल्पा ओ यही तो चाहिए था लसड़म पसड़म शिल्पा देख भावनाओं की कदर होती है ना?
मेरा स्पून का ये पूरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। अभी उसको अच्छे से बना फिर ही होगा ये ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। गाइस एक मफिन था मेरे पास तो ये ऐसा लगा गंदा दिखने में तो शिल्पा सही में तेरे का ये क्या कर रहा है, बिटोड़ा बनाती हूँ। दो बिस्किट मुझे दे देती खाने को ऐसे। अब कुछ लग रहा है शिल्पा सड़ाने में तो चीजों को अव्वल है। मुझे पता है तू क्या इसका बिस्किट का चूरा बना के पूरे पे झाड़ देगी, इससे ज्यादा तेरे अंदर क्रिएटिविटी हो नहीं सकती। हंस रही है जो तू, मुझे बहुत हंसी आ रही है। तूने जो पैसा बर्बाद, तूने सारी रेसिपी क्या करी है यार, कल से तूने बनाएगी वो गलती से हो गया। अरे इनको पता है तूने, मैं तो कुछ पागल है क्या? तो चल मैं ऐसा लग रहा गुड़ ये देखना यार सब। मैं साहिल को करने वाली हूँ वीडियो कॉल और दिखाऊंगी अपना ये। अरे अच्छा है, भावनाओं पे जाना चाहिए ना। चलो चलो। सो गाइस अभी साहिल को कॉल किया था और उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, लेकिन मेरा केक उनको मैं जरूर दिखाऊंगी और अभी कॉल जो है ट्राई करती रहूंगी, अगर उन्होंने उठा ली टाइमली तो इसमें जरूर एडिट करूंगी। बाकी आप लोगों को मेरा ये टूटा फूटा केक कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं और काजल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बाकी मैं ऐसे ही कर देती हूँ ऐसे बिना कैंडल के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साहिल, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। और बस भगवान उनकी सारी विशेष पूरी करे। तो खा के तो बताओ काजल रानी, जब ऐसे कैसे खा लो, जब कई साहिल उठा लेंगे फोन उनको दिखा दूंगी, कट करेंगे और खा लेंगे। तो ब्लॉग लेकिन इधर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बहुत ज़्यादा सैड भी हूँ क्योंकि फोन उठाया नहीं मैंने इसलिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी आपको कल।